हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? एवरीवन इज फाइन. बेटा विविध प्रश्न माला यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 आरबीएसई 12 क्लास में से ये आपके 14 क्वेश्चन है. वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन एक्स और ये शो करना है कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो. सबसे पहले ऑब्जर्व कीजिए हमें गिवन क्या है और क्या लाना है. वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन एक्स हमारे को दे रखा है. यहां डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर देखकर पता लगता है कि दो बार तो डिफरेंशियल करना ही पड़ेगा. तो स्टार्ट कीजिए इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स. ये हमारे पास डीवाई अपॉन डी एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स. यहां पर ध्यान से देखो साइन का तो हो जाएगा कॉस. इसको एक्स मान लेंगे मन में, इसको एलिज रखें. इसको एक्स माना ना, इसको साइन एक्स को उसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करें. ये हो गया डीवाई अपॉन डी एक्स. ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और इसको आप सेकेंड इक्वेशन. सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए तो एक बार और डिफरेंशियल करें. डिफरेंशिएट अगेन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा डीवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू टू भी लगा दें इसके अंदर. तो भले आप किसी एक का कर ले पहले. जैसे हमारे यहां पर कॉस ऑफ साइन एक्स है, कॉस ऑफ साइन एक्स इसको यू टू में इसको एक को एज इट इज रखेंगे. कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स प्लस अब क्या कॉस एक्स को ऐसे रखते हैं और इसका डिफरेंशियल कर ले. यहां कॉस ऑफ साइन एक्स है, कॉस का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस का साइन और इस साइन एक्स को एक्स मान के काम करेंगे तो इसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स. यू टू भी अप्लाई करने के बाद ऑब्जर्व कीजिए यहां पर एक ना माइनस की मिस्टेक नहीं होते ब्रैकेट मेंशन कर दो. अब इन दोनों को आप लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दीजिए तो इसको कहेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू ये साइन एक्स ये भी तरह के माइनस का प्लस हो जाएगा कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा साइन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो. फिर वापस देखो उसमें डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो मैच कर रहा है. यहां पर ये वैल्यू नहीं चाहते, मुझे क्या चाहिए टेन एक्स इंटू डीवाई अपॉन डी एक्स चाहिए. तो यहां पर जो चीज नहीं चाहिए ना उसकी वैल्यू प्रीवियस स्टेप से रखी जाती है. वैसे तो कॉस ऑफ साइन एक्स मुझे यहां दिख रहा है, यहां से कॉस ऑफ साइन एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए आप. तो कॉस ऑफ साइन एक्स में क्या कर सकते हैं, इस कॉस एक्स को कॉस मल्टीप्लाई से अपॉन में ले जाओ इंटू डीवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ साइन एक्स. यहां से कॉस ऑफ साइन एक्स की वैल्यू रखेंगे तो मेरे पास आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन कॉस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और इसको हम कहते हैं वाई साइन ऑफ साइन एक्स को वाई करेंगे. हाँ से क्वेश्चन पास फाइनली में क्या मिला साइन अपॉन कॉस को क्या हो जाएगा. ये तो पढ़ा है पहले से डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन एक्स ये डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए प्लस वाई एंड दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू यही आपको शो करना है. चेक कर लो डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर टेन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स वाई कॉस स्क्वायर एक्स. स्टूडेंट्स आपने इसमें क्या देखा, इसमें आपको ये पता होना चाहिए गिवन क्या है और मेरे को शो क्या करना है. दोनों में से देखिए फिर कि भाई y इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन एक्स को लेकर मैं यहां तक कैसे पहुंच सकता हूं. जैसे यहां सेकंड डेरिवेटिव शो करना है मेरे को यहां पर तो सेकंड डेरिवेटिव दो बार डिफरेंशिएट करना मस्ट है. उसके बाद स्टेप्स को मैच कीजिए कि यहां टेन चाहिए डीवाई अपॉन डी एक्स चाहिए वाई कॉस स्क्वायर चाहिए तो मैं किसकी वैल्यू प्रीवियस स्टेप से यहां पुट करूं जिससे मुझे ये स्टेप मिल जाए. तो ऐसा अगर थॉट अपने प्रोसेस दिमाग में लाइए तो इजीली आप उसको अचीव कर पाएंगे. एक स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्रिप्शन बटन दबाएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे
और अपने दोस्तों को बताया गया है ना। और मैथ्स का अच्छे नंबर लाने के पीछे क्या है याद है ना, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, मैथ्स में डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।